गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का SBN इंटर कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी लोगों को आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोगों ने सिंथेसिस पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसी की कुछ एक्सरसाइज लेकर हम लोग आए हैं, जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या है, कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो देखिए पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोगों ने कैसे किए थे। तो हाँ, जल्दी से रिवाइज करा देते हैं आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाने से या मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। देखिए पहला एग्जांपल क्या है, द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस। द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस, ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट। तो देखिए क्या कहा गया है कि जो काम पहले शुरू होगा उसकी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाकर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वर्ब क्या थी, टुक मतलब दिखाई, क्या थी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टुक। देखिए आगे जब बनाया हम लोगों ने इसको तो कैसे क्या हो गया, टुक की आईएनजी फॉर्म क्या हो गई, टेकिंग पिटी ऑन द माउस। फिर आप लोगों ने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। अब देखिए आगे लिखा है ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट। देखिए ही यहाँ पर जो है प्रोनाउन लगा हुआ है किसकी जगह पर, मैजिशियन की जगह पर, तो हम लोगों ने ही की जगह पर क्या लगा दिया, द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू अ कैट। समझ गए, आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे होता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। इसी तरीके से अगला देखेंगे आप लोग, दूसरा क्या कहता है, ही ड्रिव हिज सॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली। ही अटैक्ड हिज इनेमीज। तो देखिए देखो क्या है, अब यहाँ पर लिखा है ड्रिव, क्या लिखा हुआ है, ड्रिव, तो क्या हो गया, टेकिंग हिज सॉर्ड, फिर लगा दिया कामा, ही अटैक्ड हिज इनेमीज। फिर इसी तरीके से अगला देखेंगे, अगले में क्या है, क्या लिखा हुआ है, टर्न टू राइट। टर्न टू राइट, यू विल फाइंड एन हॉस्पिटल। फिर देखिए क्या हो गया, टर्न की जो है कौन सी फॉर्म लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म, क्या हो गया, टर्निंग टू राइट, यू विल फाइंड एन हॉस्पिटल। तो यहाँ पर ये बन गया। अगला देखिए क्या है, सी वेंट अप द हिल, सी सॉ एन ओल्ड टेम्पल। क्या कहा गया, वह एक पहाड़ी के ऊपर गई, उसने वहाँ एक पुराना टेम्पल देखा, पुराना मंदिर देखा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वेंट की जो है आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो की आईएनजी फॉर्म लगा दी, क्या हो गया, गोइंग अप द हिल। फिर क्या लगाया, कामा, सी सॉ एन ओल्ड टेम्पल, जैसे दिया हुआ था आगे वाला वैसे ही उतार दिया। अब अगला देखिए आप लोग, अगले में देखिए कुछ नोट्स दिए हुए हैं।
जल्दी से हम लोग इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि इज क्या बताया था, इज एम आर या वाज या वर, वाज या वर किसकी तरह कार्य करें, किसकी तरह कार्य करें, मेन वर्ब की तरह कार्य करें, किसकी तरह कार्य करें, मेन वर्ब की तरह कार्य करें, यानी कि यहाँ पर टेंस का रूल फॉलो ना हो, टेंस का रूल फॉलो नहीं होना चाहिए। यानी कि इन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब लगती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। जब जो है इन सभी के साथ टेंस का रूल फॉलो ना हो, जब इन सभी के साथ टेंस का रूल फॉलो ना हो, तो आप लोग समझ लेंगे कि इज एम या आर या वाज या वर मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। तो देखिए यही दिया हुआ है, क्या दिया गया हो, यदि दिए गए वाक्यों में इज एम या वाज वर मेन वर्ब के रूप में कार्य करें तो इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल मनाते समय बीइंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इज एम आर या वाज वर बी वर्ब होते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या कहा गया है, यहाँ पर इसी तरीके से देखा जाए, पहला एग्जांपल क्या कहा गया है, ही वाज इल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो देखिए क्या लगा है यहाँ पर, वाज लगा है, वाज के साथ कौन सी फॉर्म लगी है, देखिए वाज के साथ देखो टेंस का नियम बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी कि वाज या वर्ब किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, मेन वर्ब की तरह। तो क्या लगाएंगे हम लोग, बीइंग, क्या लगा दिया, बीइंग इल, फिर लगाया कॉमा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला देखेंगे इसी तरीके से, ही वाज हंग्री, वह भूखा था, ही टुक हिज फूड, उसने अपना खाना लिया। तो देखिए वाज के साथ क्या यहाँ पर रूल बन रहा, नहीं बन रहा, तो क्या हो गया, बीइंग हंग्री कॉमा लगाया, ही टुक अप हिज फूड। ठीक, इसी तरीके से अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल को देख लो एक बार, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल हम लोग दो टाइप से बनाते हैं। अगर सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में है, तो हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही देखिए पहला एग्जांपल क्या कहा गया, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ही पोस्टेड इट, उसने उसको क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने तीन कंडीशन बनाई थी, बताई थी आप लोगों को कि दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए यानी एक ही होना चाहिए, दोनों वाक्यों की फिनिट वर्ब क्या होनी चाहिए, बदल जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लिख रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, उसे पोस्ट कर रहा है। तीसरी कंडीशन क्या बताई थी हमने, जो टाइम इंटरवल होता है, क्या होता है टाइम इंटरवल, यानी कि समय अंतराल किसके बराबर नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि पहला काम ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर जो है दूसरा काम शुरू हो। तो देखिए सेंटेंस देखा हमने पहले, क्या लिखा है, ही रोट अ लेटर, तो ये किसमें है, एक्टिव वॉइस में है, तो किससे बनाएंगे, हैविंग से, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो गया, हैविंग रोट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटेन अ लेटर, फिर लगा दिया कॉमा, ही पोस्टेड इट, समझ लो। इसी तरीके से अगला देखेंगे, आई कंप्लीटेड द वर्क, आई वेंट टू मार्क। तो देखिए ये भी सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में है, तो क्या हो गया, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क कॉमा आई वेंट टू मार्केट। अगला देखिए इसी तरीके से तीसरा वाला क्या लिखा है, ही वाज डिस्कस्ड एज सेंट, ही एस्केप्ड टू नेपाल। तो देखिए यहाँ पर सॉरी क्या लगा देंगे आप लोग, देखिए सेंटेंस किसमें दिया हुआ था, सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, एज अ सेंट, वाज के साथ कौन सी फॉर्म लगी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कि किसमें है, पैसिव वॉइस में है, किसमें है, पैसिव वॉइस में है, तो क्या हो जाएगा,
हैविंग बीन क्या हो जाएगा, हैविंग हैविंग बीन डिस्कस्ड एज असेंट ही एस्केप्ड टू नेपाल। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं आप लोग। अब आप लोग आ गए किस पे, पास्ट पार्टिसिपल पे। पास्ट पार्टिसिपल में भी हमने तीन कंडीशन, एक कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी, जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, सॉरी पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, दूसरे सेंटेंस का क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, तो एक कंडीशन ये होती है, तो वहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन बताई थी कि दूसरा वाला, दूसरा सेंटेंस किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए, तब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे हो करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से, कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से पास्ट पार्टिसिपल के निर्माण करते हैं, जो कि वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। ये भी बताया था ना मैंने आपको वीडियो, जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो लोग पहले वीडियो को देख लें, जिससे कि आपकी ये एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। देखिए पहला क्या कहा गया, आई फाउंड माई पेन इट वॉज लास्ट, मैंने अपना पेन पा लिया जो क्या हो गया था, खो गया था। तो देखिए पहले वाक्य का क्या है, ऑब्जेक्ट, वही तो दूसरे वाक्य में क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, इट वॉज लास्ट, क्या कहा गया, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पा लिया, इट वॉज लास्ट क्या हो गया था, यह खो गया था। तो इस पेन की ही तो बात बता रहे हैं, इस पेन के ही बारे में तो बता रहे हैं कि ये खो गया था। तो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, आई फाउंड माई, क्या कहा गया है कि जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या हो गई, लास्ट पेन। तो देखो यहाँ पर जो ये लास्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी गई, और ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह भी कार्य कर रहा है, क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि मैंने अपना खोया हुआ पेन पा लिया। दूसरा इसी तरीके से देखेंगे, क्या कहा गया, दिस इज़ अ रोज़, ये हम अलग आप लोगों को करा चुके हैं वीडियो में, दिस इज़ आर रोज़, इट इज़ फेडेड, कह रहे हैं यह एक फूल है जो क्या है, मुरझा गया है, सूख गया है, दिस इज़ आ फेडेड रोज़। तो देखिए जो फेडेड है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग गई, और रोज़ की क्वालिटी भी बता रहा है, क्या बता रहा है कि रोज़ क्या हो गया है, सूख गया है, तो क्या बन गया, दिस इज़ आ फेडेड रोज़। इसी तरीके से तीसरा देखेंगे आप लोग, आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप को देखा, इट वॉज वुंडेड, वह घायल था। देखिए जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है यही दूसरे वाक्य में क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो क्या हो गया, आई सॉ अ वुंडेड स्नेक, मैंने एक घायल सांप देखा। तो देखिए जो वुंडेड है ये क्या है, मेन वर्ब की वुंड की जो है थर्ड फॉर्म लग गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, और जो है ये किसकी तरह भी कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, स्नेक की क्या बता रहा है, स्नेक की क्वालिटी बता रहा है कि सांप क्या है, घायल है, स्नेक की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि सांप क्या है, घायल है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ लेंगे। जिसने भी जो है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है वो पहले वीडियो को देख ले, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करें, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। एक बार फिर से जिसने भी स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जो है आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकें। थैंक यू।